प्रदेश राज्य सरकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड सोलन जोन 2 के 4 अक्टूबर को हुए निदेशक पद के चुनाव में दून के ब्रोटीवाला से राजकुमार नेगी और एनडी शास्त्री के बीच मुकाबला हुआ। राजकुमार नेगी को भाजपा ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार घोषित किया, जिसमें राजकुमार नेगी को 366 वोट मिले और एनडी शास्त्री को 288 वोट मिले। इसकी जानकारी देते हुए सोलन जिला के भाजपा अध्यक्ष केएल ठाकुर ने कहा कि निदेशक पद के लिए भाजपा से 2 लोगों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें से गोपाल ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अब सीधा मुकाबला दून के ब्रोटीवाला से राजकुमार नेगी और एनडी शास्त्री के बीच हुआ, जिसमें राजकुमार नेगी को भाजपा समर्थित उम्मीदवार घोषित किया गया। आज हिमाचल में 12 इसके जो डायरेक्टर्स के चुनाव है, सोलन जिले के 2 सीटें आती है, एक नालागढ़ और एक सोलन की। नालागढ़ में भी नालागढ़ की पूरी है, दून पूरी है, पार्ट अक्की का पार्ट सोली का। तो 2 कैंडिडेट थे, भाजपा समर्थित कैंडिडेट हमारे राजकुमार नेगी जी है, जिनको उम्मीद के मुताबिक हमारी जीत हुई है। तो बहुत बड़ी जीत है बेसिकली ये, क्योंकि लोग अब कोई भी इलेक्शन हो, इससे पहले BDC का भी हुआ था यहाँ, उन्होंने अपोजिशन वालों ने जो है कांग्रेस वालों ने लोग कॉन्फ्रेंस रखा था, उसको भी मात दी, अब दूसरी जीत है अब लगातार। तो इसमें भी अपेक्षा के अनुरूप ही 89 वोट से, 99 वोटें काफ़ी छोटा इलेक्शन है, 99 वोटें बहुत ज़्यादा होती हैं, अच्छा मार्जिन है। तो ऐसे हमें उम्मीद थी उसी वोट से जीते हैं। लोगों ने एक बार जो है हमारी भाजपा के प्रति, हमारे जयराम ठाकुर जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, और यहाँ जो लोकल लीडरशिप है दून नालागढ़ की, इसके प्रति विश्वास जो व्यक्त किया है, इसके लिए मैं जहाँ जो वोटर थे इसके बैंक के, उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ उनका। साथ में राजकुमार नेगी जो हमारे कैंडिडेट थे, इनका अपना व्यक्तिगत भी अच्छा प्रभाव था, क्योंकि हालांकि बड़ी कोशिश की गई इस इलेक्शन में, पोलराइजेशन की बात भी हुई है, सारी बात हुई है, फिर भी कैंडिडेट हमारे जीते हैं। तो और एक इसमें और सब अच्छी बात रही कि इसके ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया गया, खर्चा नहीं किया गया, ये और अच्छी बात है। बड़ा सादगी से, बड़ा, क्योंकि ये एक जो भाईचारे का बात होती है, अकेले पार्टी की बात भी नहीं होती है, कैंडिडेट का अपना जो रसूख वो भी मैटर करता है। तो हमारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छे थे, हमारी पार्टी का लोगों में विश्वास है, एक बार दोबारा विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूँ, और राजकुमार नेगी जी को, पार्टी के सभी कार्यकर्ता है, नेता है, सभी बधाई देते। तो सर जो आगे मतलब इनके मतलब काम होंगे, वो किस तरह के काम किए जाएंगे, किस तरह से काम? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें जो जो कोई नई ब्रांच खोलनी हुई है, ब्रांच में क्या प्रॉब्लम है, लोन्स को कैसे करना है, एक्सपेडाइट करना, तुरंत लोगों की समस्या का निपटान हो, ये सारी बातें ये करेंगे। जो भी इनकी मीटिंग हुआ करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उस ढंग से जो भी लोगों की समस्या से, हमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमें हमारे इलाके को इसका लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे XMLA केएल ठाकुर जी, हमारे दून के विधायक परमजीत पामी जी और संगठन के पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं, और जिन लोगों ने मुझे आज इस निदेश बैंक के निदेशक पद के लिए अपने वोट मत से, भारी मतों से मुझे जो जीत दिलाई है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं और ये उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं के, अपेक्षाओं के मुताबिक जो मेरी अपनी सक्षम हूँ मैं, उसके अनुसार मैं काम करने का प्रयास करूँगा। और इस बैंक में सहकारिता में, सहकारिता आंदोलन में बहुत लोगों का, यहाँ हमारे पंडित जी अपने टेलर से पंडित जी बैठे हैं और अपने प्रधान जी हैं पुट से, ये सभी लोगों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला है और इसी कारण मैं जीता हूँ। और मैं इस बैंक के प्रति जो हम अपना पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा जो मिलके हम काम करने का प्रयास करेंगे, सरकार इसमें आगे चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनेगा, उसमें जो सरकार जिसको चाहेगी उसको हम समर्थन करेंगे, उसमें मेरा पूरा सहयोग होगा पार्टी की तरफ से। और मैं सब फिर एक बार अपने सहकारिता बंधुओं का, विशेषकर बैंक के कर्मचारियों का जिन्होंने इसका आयोजन किया, इलेक्शन का बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, सभी लोगों ने यहाँ जो भी चाहे किसी भी दल के थे या पार्टी के थे, उन्होंने अपने शांतिपूर्ण इस चुनाव को, प्रक्रिया को
संपन्न किया है। तो इसमें बहुत लोगों ने पार्टी के थोड़ा आगे पीछे चल के भी अपने वोट का समर्थन दिया है मुझे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और पार्टी का तो मैं विशेषकर करता ही हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है, और मैं विशेषकर ठाकुर साहब का, केएल ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने बहुत एक्टिविटी काम किया। थैंक यू। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट।